नमस्कार दोस्तों, स्टडी पीटी में आपका स्वागत है। आज है 16 जून और आज हम देखेंगे 16 जून का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, साथ में देखेंगे इससे रिलेटेड जीके और लास्ट में देखेंगे आज का ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी पीईटी ज्वाइन करें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने आई फ्लो नाम से एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की है? इसका आंसर है सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आई फ्लो मुंबई नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की है। इसे संयुक्त रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और मुंबई नगर निगम द्वारा विकसित किया गया है। यह 6 से 72 घंटे पहले बाढ़ क्षेत्रों को अलर्ट करेगा। चेन्नई के बाद मुंबई ऐसी प्रणाली प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य बना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीट है 78 और विधानसभा की सीट है 288, राज्यसभा की सीट है 19 और लोकसभा की सीट है 48। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है ए, नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की विशेष पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम योजना का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है युवाओं को इंटर्नशिप उपलब्ध कराना है। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना मध्य प्रदेश से सांसद हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क हैं पिन वैली, ग्रेट हिमालय, इंदर किला, खीर गंगा और सिंबल बारन नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम का पर योजना का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है सी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बी, कोलकाता। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अग्रणी और एकमात्र राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। इसकी स्थापना 1925 में की गई थी और इसका मुख्यालय है कोलकाता में। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 95वें वार्षिक पूर्ण सत्र का उद्घाटन भाषण दिया। प्रधानमंत्री ने पूर्वी भारत और उत्तरी पूर्वी में उद्योग के विकास में योगदान के लिए चैम्बर की प्रशंसा की। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है, किस रेलवे ने यात्रियों में कोविड-19 के लक्षणों की प्रभावी जाँच के लिए फैब्रियाई नामक जांच सुविधा शुरू की है? इसका आंसर है बी, मध्य रेलवे ने। मध्य रेलवे ने मुंबई में यात्रियों में कोविड-19 के लक्षणों की प्रभावी जांच के लिए फैब्रियाई नामक जांच सुविधा शुरू की है। टिकटों की स्वचालित जांच और अधिगम प्रबंध मशीन तथा रोबोट कैप्टन अर्जुन के इस्तेमाल के बाद यात्रियों की सुरक्षा की दिशा में मध्य रेलवे का यह एक और महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह किस कंपनी का है? इसका आंसर है बी, स्पेस एक्स। 13 जून 2020 को निजी स्पेस फ्लाइट कंपनी स्पेस एक्स ने 58 स्टार इंटरनेट उपग्रहों के अपने नवीनतम बैच को सफलतापूर्वक राइड शेयर मिशन में कक्षा में लॉन्च किया।
इस प्रक्षेपण के साथ ऑर्बिट पर परिचालन स्टारलिंक ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपग्रहों की कुल संख्या अब 538 हो गई है। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत का 34 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? इसका आंसर है ए पटना। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और टेलीविजन स्टार सुशांत सिंह राजपूत का 34 वर्ष की उम्र में आत्महत्या कर लिया। वह मूल रूप से पटना बिहार के रहने वाले थे। उनकी पहली फिल्म 2013 में काई पोचे आई थी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के डेब्यू सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। उन्होंने 2014 में पीके फिल्म में सहायक की भूमिका तथा 2014 में ही एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म में क्रिकेटर धोनी की भूमिका निभाई थी। उनकी अंतिम फिल्म 2019 में छिछोरे थी। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्लाई जी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है ए आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने कोविड-19 महामारी के दौरान अनुकूल और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लाईजी नामक ऐप लॉन्च किया है। इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन के नियमों को बताया गया है। नेक्स्ट दसवां क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर है? इसका आंसर है बी 5वें स्थान पर। 5 जुलाई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.2 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 501.7 अरब डॉलर पहुंच गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है, जबकि चीन पहले स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं आज का ज्ञान। आज के ज्ञान में आज है यूपीआई के बारे में। यूपीआई, जिसे हम हिंदी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, इसके शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को 21 सदस्य बैंकों के साथ शुरू किया गया था और इसके मालिक हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। यूपीआई का मेन उद्देश्य यह है, यह तत्काल भुगतान सेवा यानी IMPS कैशलेस भुगतान को तीव्र, आसान और सुगम बनाने के लिए राउंड द क्लॉक अर्थात 24 घंटा उपलब्ध सेवा का एक उन्नत संस्करण है। यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन, किसी भी भागीदार बैंक में कई बैंकिंग सुविधाओं, एक ही फंड में समेकित फंड रूटीन और मर्चेंट भुगतान को सन्निहित कर देती है। नेक्स्ट है रुपए के बारे में, रुपए कार्ड के बारे में देखते हैं। रुपए कार्ड की शुरुआत 8 मई 2014 को हुई थी और इसके भी मालिक हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। रुपए भारत में अपनी तरह का पहला घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान नेटवर्क है। रुपए का टैगलाइन है वन लाइफ वन रुपए। यह नाम रुपए, रूपी और पेमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, जो इस बात पर जोर देता है कि यह डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतानों के लिए भारत की स्वयं की पहल है। रुपए कार्ड का उपयोग सिंगापुर, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मालदीव, म्यांमार और सऊदी अरब में लेन देन के लिए भी किया जा सकता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।